दरभंगा शहर के लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में रंग बिरंगे फूलों की बगिया पुष्प प्रेमियों का मन मोहने लगी है। शनिवार को यहां दो दिवसीय 30वीं पुष्प प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के फूलों के गमलों को एक जगह लगाया गया, जहां रंग बिरंगे फूलों ने लोगों का न सिर्फ मन प्रसन्न किया, साथ ही लोग खुद को सेल्फी लेने से नहीं रोक पाए। लगभग यहाँ पे 30 सालों से नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा जो पुष्प प्रदर्शनी हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ख़ासकर अभी का जो माहौल है, बच्चे स्कूल के हो या फिर जो रिटायर पर्सन हो या घर की महिलाएं हो, तो हर आदमी के छत के ऊपर जगह होता है। तो अभी जैसा कि एक ट्रेडिशन चल गया है मोबाइल का, चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो, जो भी हो, ज़्यादातर मोबाइल में समय देते हैं। तो इस प्लांट को लगाने से क्या है कि समय का सदुपयोग होता है और हमें डिफरेंट तरह का जो है प्लांट के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो आयुर्वेदिक है, जो कि हमारे पुराने जितने भी पूर्वज हैं उनके साथ उनका जो है सब विलुप्त होता जा रहा है, तो हमें उसकी भी जानकारी रखनी चाहिए। जैसे कि छोटी छोटी सर्दी है, खांसी है, तो इसमें हम लोग पहले जो बुजुर्ग रहते थे, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक पौधे थे उनका उपयोग करते थे, तो जो कि आजकल नहीं हो रहा है। हमें बहुत ही ज़रूरत है ऐसे हमारे जो नए जनरेशन है उनको जागरूक करने का। आपको बता दें, बीते 30 सालों से लगातार पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन उत्तर बिहार उद्यान समिति के द्वारा किया जाता रहा है। शुरुआत में इस समिति में बहुत कम लोग शामिल थे, लेकिन समय के साथ इस समिति से लोगों का जुड़ाव होता चला गया, तो पुष्प प्रदर्शनी का दायरा भी बड़ा हो गया और पुष्प प्रेमियों का जमावड़ा भी बढ़ता गया। प्रदर्शनी पिछले 30 साल से हम लोग दरभंगा में लगा रहे हैं। इस टाइप का पुष्प प्रदर्शनी से बिहार में दो जगह, दरभंगा और भागलपुर में होता है, और बिहार में कहीं भी नहीं होता है। मकसद लोगों को जागरूक करना पॉल्यूशन के खिलाफ, हरियाली के लिए। जो हम लोग अभी हर जगह एक सुनते हैं कि हमारे यहाँ एयर में बहुत पॉल्यूशन हो गया है, ये हो गया है, तो उससे इससे छुटकारा मिलता है। इससे हमारा अपना, हमारे बच्चों का, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं पुष्प प्रदर्शनी कैसे, पुष्प कैसे लगाएं। हम लोग कुछ साल पहले, 10 साल से करीब हम लोग एक इससे पहले कंपटीशन करते हैं, सारे स्कूल को बुलाते हैं, सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, उसमें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि आप पेंटिंग कीजिए, आप प्लांट्स के बारे में कीजिए, आप सिखाइए, तो इसे बनाते हैं और बच्चे इसमें क्रिएटिविटी सीखते हैं। इसके फायदे तो सारे लोग जानते हैं, पौधे कितने फायदे, हरियाली कम होगा, हरियाली ज़्यादा होगा, पॉल्यूशन हमारा कम होगा, हम प्लांट्स के साथ रहना सीखेंगे, और जो हम लोग का वास्टेज होता है किचन से वेस्ट निकलता है उसका हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि गार्बेज जो कूड़े कचरा जो है उसका भी यूज़ हम लोग इसमें कर लेते हैं। फूलों के इस बगिया में क्या बच्चे, क्या युवा और क्या महिलाएं, सभी बस टकटकी लगाए इन खूबसूरत फूलों को निहारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस जगह आने वाले लोगों के चेहरे भी खिले फूलों की तरह ही खिले नजर आ रहे हैं।